हेलो, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलसन बुक स्कैन के अनुसार ट्विंकल खन्ना की लेटेस्ट बुक वेलकम टू पैराडाइज ने उन्हें 2023 में पब्लिश्ड फिक्शन कैटेगरी में टॉप सेलिंग ऑथर बना दिया है। वेलकम टू पैराडाइज मैरिज, पेरेंटहुड, डेथ, लोनलीनेस और लव से गुजर रही महिलाओं की कहानियों का एक कलेक्शन है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित और प्रभास स्टारर फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसे फैंस से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो रात 1 बजे शुरू हुआ और सभी स्पेशल शो सिनेमाघरों में सुबह 3 बजे और 4 बजे दिखाए गए। फिल्म को ऑडियंस से काफी सराहना मिल रही है। एजाज खान संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच पवित्रा पुनिया ने शादी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पवित्रा ने कहा कि उनके पिता के जाने के बाद अब उनका ध्यान सिर्फ अपने परिवार को संभालने में है और इस वक्त वो रिलेशनशिप और शादी जैसी चीजों में अपना टाइम नहीं लगाना चाहती। वो अभी सिर्फ अपने परिवार और अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं। हाल ही में अभिनेत्री बिपाशा बासु ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी बेटी देवी के पहले जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। वीडियो और तस्वीरों की एक सीरीज में देवी को अपनी छोटी सी दोस्त और बर्थडे गर्ल दुआ की कंपनी लेते हुए कैप्चर किया गया। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को गले लगाते हुए सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सलमान आनंद पंडित को जन्मदिन की बधाई देने के लिए स्टेज पर आए और उसके बाद अमिताभ बच्चन को गर्मजोशी से गले लगाते दौड़ते दिखे और फिर अभिषेक बच्चन को भी गले लगाते दिखे। ऐसे में उनकी बच्चन फैमिली से कथित अनबन कम होती नजर आ रही है। साल के सबसे बड़े फिल्म क्लैश, डंकी और सालार का असर अब नजर आ रहा है। मल्टीप्लेक्स और नेशनल चेन्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रभास की फिल्म को बराबरी की स्क्रीन देने का वादा करके पलट गए हैं, जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। गेटी गैलेक्सी मराठा मंदिर के एग्जीबिटर मनोज देसाई ने बताया कि पब्लिक सालार की टिकट खरीदने आ रही है और निराश होकर जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंटरनल पॉलिटिक्स है। विन डीजल पर उनकी एक्स असिस्टेंट एस्टर जॉनसन ने सेक्सुअल हरेसमेंट का गंभीर आरोप लगाया है। सिर्फ आरोप ही नहीं, एस्टर ने एक्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। गुरुवार को लॉस एंजलिस में दायर मुकदमे के अनुसार एस्टर जॉनसन का दावा है कि एक्टर ने अटलांटा में फास्ट 5 के सेट पर काम करने के दौरान 2010 में उनका यौन उत्पीड़न किया था। द केरला स्टोरीज की सक्सेस के बाद विपुल अमृत लाल शाह और सनशाइन पिक्चर्स बस्तर द नक्सल स्टोरी, हिसाब, सैमुक और गवर्नर जैसे गहन बैकग्राउंड स्कोर के साथ एंटरटेनिंग फिल्मों की एक रेंज पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दर्शक इन फिल्मों के साथ मनोरंजन से भरे साल 2024 की उम्मीद कर सकते हैं। टीवी एक्ट्रेस श्रेणु पारेख और अक्षय महात्रे शादी के बंधन में बन चुके हैं। इश्कबाज फेम एक्ट्रेस श्रेणु पारेख ने अपने मंगेतर अक्षय महात्रे के साथ धूमधाम से शादी रचाई है। कपल ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे इंटरनेट पर आते ही धूम मचा दी। आलिया भट्ट बी टाउन की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका अपने पति रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड्स कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के साथ अच्छा रिश्ता है। अब हाल ही में आलिया भट्ट ने कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस की सराहना की है। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और एक्साइटेड लिखा। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।